ना द्वितीय दिन सब हरि बोल हरे कृष्ण गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोली ते नयने बाबने गौरांग बोली ते हवे पुलक शरीर हरि हरि आर कब नीताई चाहते करुणा है वे संसार वासना मोर अब तो चाहे आर कब नीताई चाहते कबे सुतह विमाना कबे हा महे रव हरि वृंदावन रघुनाथ पदे आई बे को दे कब आम वो जब से जुगला पीते रघुनाथ पद प्रभुमार आस प्रार्थना करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे हार नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर कालंदीर को ले चली कदंबीर बना रचना विधीर ऊपर सुझना श्याम गौरी अंगे शिव जुआ चंदनी रगा गुलाब कवे एव पोख चंद्र ललिता विशाखा दत साखी वृंद आज्ञा करीब सेवा करणी रवीश
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा जीवन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बन चारी जय कुंज विहारी जय यमुना तीर बन चारी कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदकेल सिंधु वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करना चाहता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चिन्हित नारे देवेरे सकति मोई कौन जान है अति बुढ़ा मत। कहते जो वैष्णव है, कहते उनको देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं सकते, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते भैया मैं तो अत्यंत बूढ़ा मती, फिर हम वैष्णव कैसे पहचान है? है? इसलिए बताए न देव देव मर्चय, जब तक कोई देवता नहीं होता है ना, तब तक देवता को पूजा नहीं कर सकते, देवता हो करके देवता फिर पूजा को ही कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े वैष्णव लोग भी वैष्णवों को पहचान नहीं सकते, इसलिए गतकल्य श्रवण कर रहे थे हैं, कैसे श्री गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे, राधा रानी क्या पहचान नहीं सकती है अपना भक्तों को, इसलिए हमको शिक्षा देते हैं। इसलिए कभी कभी वैष्णव का वेशभूषा को देख करके पहचानना बड़ा कठिन है, देखने के लिए लगता होगा अरे बड़ी फट्टे फुट्टे कपड़े पहने हुए हैं, बड़े फट्टे फुट्टे कपड़े पहने हुए, हो सकता है अंदर में बड़े भोग की वासना है, हैं बड़े भोग की वासना है, लेकिन कभी कभी दिखता है अच्छे कपड़े तो पहनते हैं, हैं अच्छे कपड़े, लेकिन हो सकते हैं अंदर से बड़े भगवान की बड़े अनुरागी भक्त हैं। इसलिए ब्रज में ना ललिता विशाखा चंपक लता कैसे कपड़े पहनते हैं, फटे फुटे पहनते हैं एकदम बढ़िया चकाचक, बोले क्यों, बोले बढ़िया कपड़ा पहन करके तभी तो राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं ना, हाँ उनकी सखा लोग एकदम चकाचक पहनते हैं, कृष्ण सेवा के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन विशेष करके महाप्रभु का जो भक्त लोग है, महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहा देखी तुष्ट हन गौरव भगवान, इसलिए महाप्रभु का विशेष करके भक्त लोग उनका अंदर वैराग्य ही प्रधान है। इसलिए वैराग्य का दो अर्थ है, क्या अर्थ है, कहते विशेष पूर्वक अनुराग है ये वैराग्य है, और वैराग्य और साधारण अर्थ क्या होता है, एकदम सीधा साधा इस शरीर को ढकने के लिए जितना जरूरत है उतना ग्रहण करनी चाहिए, कम होगा तो इसलिए युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य मतलब क्या होता है, कहते भगवान की सेवा के लिए जितना जरूरत है उतना ही सेवा के लिए ग्रहण करनी चाहिए, ज्यादा नहीं और कम नहीं, कम जैसे ठंडी का समय है तो नहीं हम तो पूरा नंगे रहेंगे हैं, कोई कपड़े वपड़े कुछ पहनेंगे नहीं, पर क्या होगा हम बद्ध जीव है ना, इसलिए फिर बीमारी पड़ जाएंगे हैं, इसलिए अगर ज्यादा पहनेंगे ज्यादा बढ़िया टिप टॉप बढ़िया पहनेंगे फिर क्या होगा, फिर हम अंदर में भोग की वासना आएगा, वो भी हमें पतन करा देगा, इसलिए जितना जरूरत है शरीर निर्वाह करने के लिए उतना ही धारण करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहते हैं, भालना खाई बार भालना पड़ी वे, उसके बाद में ब्रज राधा कृष्ण सेवा, हाँ ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करियो, और एक तरह गया हाँ ग्राम्य कथा ना कही वे, ग्राम्य कथा ना बोली वे,
भालना खाए वे आर भालना पड़े। इसलिए जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को बोले, प्रभु आपकी मुखारविंद से मैं कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले, तुम्हें तुमको स्वर्ग दामोदर के चरण में समर्पण कर दिया ना, वो मेरे से ज्यादा जानता है स्वर्ग दामोदर, इसलिए उनसे ही सारे शिक्षा को ग्रहण करना। बोले प्रभु, तभी भी आपकी मुखारविंद से डायरेक्ट कुछ उपदेश को मैं सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने केवल थोड़ी सी वाक्य में ही सारे शास्त्र का निचोड़ थोड़ी सी वाक्य में बोल दिया। क्या बोले, ग्राम्य कथा ना बोली वे, ग्राम्य कथा ना सुनी, और ग्राम्य कथा बोलना नहीं और ग्राम्य कथा सुनना नहीं, क्योंकि जो बोलेंगे उसमें ही आवेश आएगा, जो सुनेंगे उसमें ही आवेश आएगा, है। इसलिए मत कथा मत गाथा चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसन्ति च रमन्ति च। इसलिए कृष्णा अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं, हैं? मेरे भक्त करते हैं क्या, इसलिए मत कथा मत गाथा चिंता, बोलते तो मेरा ही कथा बोलते हैं, चिंतन करते तो मेरे को ही चिंतन करते हैं, आपस आपस में अगर कुछ बात करते हैं क्या बोलते हैं, केवल मेरी कथा को ही, मैं ही जिनका नित्य, नित्य मतलब क्या है, ऐसे नहीं अरे इतना समय तो घर ही कथा हो गया, चलो थोड़ा इधर उधर का बात कर ले, हैं, ज्यादा भजन हो गया, थोड़ा इधर नहीं। कहते कथ तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान की कथा ही उनका जीवन का प्राण है, कथा ही उन्हें आनंद प्रदान करता है, दूसरा बात उनका आनंद नहीं देता है। इसलिए कहते ग्राम में कथा ना बोली वे, ग्राम में कथा ना कही, मतलब कृष्ण कथा छोड़ करके गांव की जो बात है, तो दुनियादारी बैठ करके संसार का घर को सामने बैठ करके चौकट लगा करके बासरा दुनिया की है चर्चा, उसकी बेटी ने इसे किया, उसको बहू ने इसे किया, उसको घर में ये हो रहा है, उसको ये इसे किया, सारा दुनिया की जो प्रजल्प है कृष्ण कथा छोड़ करके जितने सारे दुनियादारी की बात करते, बोलना भी नहीं और ये सुनना भी नहीं, और ग्राम में कथा ना बोली, ब्राह्मण कथा ना कही, भाल ना खाई यार भाल ना करे, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं है। इसलिए बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो फिर इंद्रिय की तेज होगा, हाँ इंद्रिय तेज होगा तो फिर ये मन विषय का तरफ में, विषय का तरफ में धावित होगा। इसलिए और भाल ना पड़ीवा, बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया पहनेंगे ना जब रोड में जाएंगे देखेंगे कौन मेरे को कुछ देख रहा है, आज इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना है, कोई मेरे को आज देख रहा है कि नहीं, फिर शीशा को सामने खड़े होकर के हैं पास बारंबार अपना चेहरा को देखते रहेंगे और अपना श्रृंगार को देखते रहेंगे, हैं। इसलिए कहते अच्छा खाएंगे तो कहते अपना जीवन नष्ट करते हैं, लेकिन जो लोग एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं ना, कहते अपना जीवन तो नष्ट करते हैं और उसको साथ साथ में दूसरा का जीवन भी नष्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप बढ़िया बढ़िया पहन करके जाओगे ना सारा दुनिया देखते रहेगा, अरे क्या बढ़िया कपड़ा पहन कर जा रहे हैं, इसलिए उसका भी जीवन नष्ट और तुम्हारा भी जीवन नष्ट, दोनों का इसमें जीवन नष्ट है। इसलिए भालना खाई बार भाल ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस गरीब, इसलिए ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस गरीब, इसलिए वृंदावन में अपना मानसिक रूप में मानसिक सेवा राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करेंगे, है इस समय, क्योंकि उस समय जो गोस्वामी लोग होते थे उनका संस्कार बहुत अच्छा संस्कार, गोस्वामी लोग तो नित्य मंजरी है भगवान की, लेकिन प्रभुपाद ने फिर उन्होंने विग्रह जो स्थापन है पहले तो गोस्वामी लोगों ने किया है, विशेष करके प्रभुपाद ने 64 मंदिर उन्होंने स्थापन किया और हर मंदिर में उन्होंने विग्रह को स्थापन करके ठाकुर जी को सेवा को उन्होंने विशेष करके उन्होंने प्रारंभ कराया। बोले क्यों, पहले लोगों का जो चित्त वृत्ति होता था शुद्ध होता था, ये इंटरनेट था नहीं, मोबाइल था नहीं, टीवी था नहीं, और जितने स्त्रियां हैं सबके सब घर में रहती थी, ये सबके सब घर में रहती थी, बस दो चार क्लास पढ़ लिया उसके बाद में ज्यादा नहीं, शादी करवा लेते थे, और कभी कभी माताएं ऐसे होती थी कभी कभी चंद्र सूर्य जिनकी मुंह भी दर्शन नहीं कर पाते थे, घर में रहती थी, घर का सारे सेवा काम करती थी, लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये घोर कलयुग आएगा, हैं, इसलिए पहले, इसलिए सभी का मन
इतने चंचलता नहीं होता था, इतने उनके मन में गंदी चीज नहीं आती थी। लेकिन कलयुग में जो विक्षिप्त जो चित्त है, जिनका हृदय बड़े की विक्षिप्त हृदय है, इसलिए इनकी धीरे धीरे कल्याण कैसे हो। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, बोले कलयुग में मानसिक सेवा कर ही नहीं सकते। मानसिक कब सेवा करेंगे, जब हृदय हमारे पवित्र हो। हैं, हृदय पवित्र हो, हृदय तभी पवित्र होगा जब माया को दर्शन नहीं करेंगे। हैं, लेकिन कलयुग की स्थितियों को देख करके प्रभुपाद ने देखा अभी ये नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, मंदिर स्थापन किया। हैं, मंदिर स्थापन करके मंदिर मार्जन करो, खेती में साग लगाओ, हैं, भिंडी लगाओ, क्योंकि जब खेती में होगा ना, फिर ठाकुर को भोग लगेगा, वैष्णव सेवा होगा, ठाकुर सेवा होगा। हैं, फिर मंदिर मार्जन करो, ठाकुर के लिए फूल की माला बनाओ, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की अर्चन करो, हैं, ठाकुर जी की अर्चन सेवा करो। करने से क्या होगा, करे धीरे 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 हमारा जो विक्षिप्त जो मन है ना, वो सेवा में लगेगा तो संस्कार बनेगा, संस्कार बनेगा तो धीरे 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 फिर भजन में मन लग सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने विक्षिप्त चित्त कलयुग में विक्षिप्त चित्त व्यक्तियों के लिए उन्होंने ये मठ मंदिर बनाया, जिसमें सेवा करो, सेवा करते करते संस्कार बने। इसलिए कहते ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करेगा करेगा। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री पुंडरीक विद्यानिधि का जो जीवन है दिव्य जीवन है, और वो कृष्ण लीला में कौन थे, कहते श्री वृषभानु महाराज थे। इसलिए गदाधर पंडित जी जब उनकी विषय वेश को देखा और उनके प्रति उनका भ्रम धारणा हो गया, बोले मेरे को कहाँ ले आया मुकुंद, बोले वैष्णव दर्शन कराने के लिए तो महाविषय है, कि महाविषय है। इसलिए मुकुंद इनकी भावना को समझ करके जब अहो बकियम स्तनकाल कूटम, जब उन्होंने कृष्ण की कितने दयाल, कृष्ण कितने कृपालु है, उतना जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने सदगति प्रदान की। जब उन्होंने ये श्लोक को सुने, इनके अंदर में अष्ट साथी के प्रेम प्रकट हुआ, जिसको देख कर गदाधर पंडित बोले हे भगवान, हमने तो अपराध कर डाला, इतने परम वैष्णव का हमने विषय समझा, फिर अपराध दूर कैसे होगा, बोले उनकी शिष्य बन जाओ। हैं, शिष्य बनने पर फिर उनका बेटा हम बन जाते, संतान बन जाते हैं, और पिता माता बच्चों का जो अपराध को माफ कर देते हैं। फिर उन्होंने उनकी शिष्यत्व ग्रहण की, हैं, शिष्यत्व ग्रहण की करने पर फिर उन्होंने कह रहे हैं भैया गदाधर पंडित जिनका शिष्य है, पर उनका क्या महिमा, राधा रानी जिनकी शिष्य हो उनकी महिमा हम क्या बताएंगे, इनकी महिमा क्या बताएंगे। इसलिए कहते हैं इनका मिलन जो व्यक्ति कथा सुनते हैं उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। आज हम लोग श्रवण करेंगे, हैं, आज हम लोग श्रवण करेंगे, कहते श्री श्री कहते श्रीवास पंडित, हैं, श्रीवास पंडित घर में बोले पंडिते रे परीक्षा ये प्रभु विश्वंभर, यही अवधुत के न राखे निरंतर। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में श्री नित्यानंद प्रभु रहते थे, एक दिन उनको परीक्षा करने के लिए बताए, बोले पागलों को घर में क्यों रखे हो, हैं, ये अवधुत को घर में तुमने, ये अवधुत को घर में क्यों रखे हो। कहते भैया अवधुत का मतलब क्या है, अवधूत कहते हैं किसको, बोले देह संस्कार रहित तो जड़ अवधूत। इसलिए भागवत में क्या अवधूत, अवधूत का 24 गुरु कथा थे ना, अवधूत का 24 गुरु की कथा आती है। इसलिए कहते ये अवधूत कहते हैं किसको है, कहते अवधूत उससे कहते हैं, कहते देह संस्कार रहित तो जड़ अवधूत, जो कृष्ण प्रेम में कृष्ण भक्ति में इतने डूबे हुए रहते हैं, उनकी भक्ति में इतने लगन इनकी है, कैसे कब खाएंगे, कैसे क्या पहनेंगे, जिनको ये शरीर का हुदबुद्धि नहीं रहते, हैं, शरीर की जिनकी हुदबुद्धि जिनकी शरीर की रहते नहीं। इसलिए आप देखो हमारे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कैसे बैठे हुए, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज देखो मूर्ति देव कैसे है। इसलिए हमारे श्री बंसीदास बाबा जी महाराज, इनका फट लगेगा ये पागल है। सुखदेव गोस्वामी जब चल रहे थे, बच्चे धूल झोंक रहे थे, बोले पागल है, हैं, उनके ऊपर में धूल झोंक रहे थे, और स्त्रियां देख करके तो पागल हो रहे थे, बोले भगवान देखने में तो कामदेव जैसे लगता है लेकिन ये पागल है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, हमारे भी सही
पागल बलिया अंगे ते दीवे का धोली। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं ऐसे कब दिन आएगा हम मेरे को विषय पागल बोल करके हमारे ऊपर में धूल झोंकेंगे हैं। इसलिए कहते अवधूत मतलब जिनकी शरीर का कोई हुदबुद नहीं है। इसलिए कहते सिद्धांत प्रदीप में कहते अवधूत निरस्त शिष्णो दर पराभिमतम जस्य सह। कहते अवधूत का दूसरा अर्थ कहते हैं कि जिनके अंदर में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जिनके अंदर में है नहीं, इससे जो अतीत है जिनके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज से जो एकदम ऊपर रहते हैं कहते ये अवधूत है। और अब तीसरा अर्थ कहते जो जो बिलंघ्या श्रमा आश्रम वर्ण आत्मनेव स्थित अपमान अति वर्ण आश्रम योगी अवधूत सौच्यते। कहते अवधूत का तीसरा अर्थ कहते हैं जो लोग संपूर्ण रूप में आत्म धर्म में प्रतिष्ठित होकर के जो वर्ण आश्रम से जो अतीत है वर्ण आश्रम से जो अतीत है कहते वो श्री अवधूत है। क्योंकि भक्तों का कहते जात पात पूछना कोई हरि का भजा सो हरि का हो। इसलिए भगवान की भक्ति में जय भजे सही बड़ो अभक्त हीन चार कृष्ण भजन नहीं जाती बुलादी विचार। इसलिए कहते जो वर्ण आश्रम से जो अतीत है कहते वो श्री अवधूत है। इसलिए अवधूत सद्धूतम संसार बंधनात् तत्व समार्थ सिद्धत्वात् अवधूत पंडित पंडित परिकर प्रभुजन। इसलिए कहते हैं जो कि संपूर्ण संसार बंधन से जो संपूर्ण रूप में ऊपर है और जो तत्व समर्था सिद्धत्वात् अवधूत अवधूत सौच्यते जो संसार बंधन से संपूर्ण रूप में ऊपर हो और भगवत भक्ति रूपी सिद्धियों को जो जीवन में प्राप्त किया है कहते वो अवधूत। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये अवधूत के न राखो निरंतर। कहते अवधूत को क्यों तुम अपना घर में रखे हो। हाँ एक तरह से अवधूत मतलब पागल है लेकिन यहाँ पर बताए अवधूत का मतलब होता है सचमुच से जो संसार से ऊपर रहते हैं काम क्रोध लोभ मोह से जो ऊपर है और जिनको संसार का बंधन स्पर्श नहीं कर सकता वर्ण आश्रम से जो अतीत है। इसलिए एक जो वास्तव अर्थ है जब उन्होंने जब ये बात बताई बोले इसका कोई जात का ठीक है इसका कोई जात पात कोई ठीक नहीं और ये करता है क्या है घर ये जिसको तिसको घर में चला जाता है इसलिए इसको घर से निकालो निकालो इसको घर से जगत मत रखा करो। जब उन्होंने ये बात बताया ना इतने में श्री श्रीवास पंडित कह रहे हैं बोले हे प्रभु आप क्या मेरे को परीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अगर एक दिन भी अगर आपका कोई भजन करे ना वो मेरे प्यारे हैं। और नित्यानंद प्रभु के लिए कहते हैं बोले मदिरा जवनि जति नित्यानंद धरे जाति प्राण धन जति मोर नाश करे। नित्यानंद प्रभु के लिए कह रहे हैं अगर ये नित्यानंद प्रभु अगर शराब पीते हैं मदिरा पान करते हैं हैं और जवनी यदि जवनी मतलब होता है मुसलमान है हैं। इसलिए अगर ये नित्यानंद मदिरा अगर पान करते हैं और किसी जवनी मतलब किसी स्त्री हैं कहते स्त्री को अगर कोई धारण भी करते हैं पकड़ते हैं कहते अगर ये मेरे जात प्राण को अगर संपूर्ण रूप में अगर नाश भी कर देगा ना कहते हे प्रभु ये जो नित्यानंद है कहते ये मेरे प्राण है इसलिए इनको कभी मैं त्याग नहीं दे सकता भले ही जीवन में कुछ क्यों नहीं करे हैं। इसलिए मैं इनको त्याग नहीं दे सकता हूँ ये मेरे प्राण है ये मेरे प्राण है। जब ये बात बताए ना महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए इतने प्रसन्न हो गए बोले श्रीवास मेरे नित्यानंद का प्रति तुम्हारी इतने दृढ़ विश्वास हैं इतने दृढ़ विश्वास है इसलिए मोर गुप्त नित्यानंद जान ले के मने कहती जो नित्यानंद है ये मेरे गुप्त धन है
तुमने ये नित्यानंद तत्व को तुमने कैसे पहचाना? नित्यानंद तत्व को जब महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के कहते आज नित्यानंद का प्रति तुम्हारी इतना निष्ठा को दर्शन करते हुए, क्योंकि नीताय करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे, है ना नीताय विनय भाई राधा कृष्ण पाईते नाई, संसार र पार है या भक्ति र सागरे जे डूबी वैसे भजुका नीताय चांदे रे। अगर संसार से पार होकर के भक्ति रस समुद्र में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं क्या करे, से भजुको नीताय चांदे रे। जब तक श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होना जीव को कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती है, है? इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अभिन्न काले वाले हैं, हैं? देखने में काले एक गोरे, इसलिए महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुमको नित्यानंद का प्रति इतना दृढ़ विश्वास, आज मैं तुमको भर देता हूँ। बोले क्या भर देते हैं? बोले यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगर नगरे तथापि दरिद्र तोर नाही बेक घरे। अगर लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसे बैठती हैं? हर समय हाथ ऐसे करके, हैं? सारा दुनिया लक्ष्मी के लिए, सारा दुनिया पागल, लक्ष्मी कृपा। कभी जगन्नाथ बलदेव को भी बड़े कष्ट भोगना पड़ा था। कभी बलदेव प्रभु कृष्ण को बोले, बोले क्या लक्ष्मी को तू पास रखा, ये लक्ष्मी को क्यों पास में रखते हो, इसका जात पात कुछ ठीक नहीं, सब घर सभी का घर में ये चली जाती है, ये चंडाल है पान डोम सब कोई ये नहीं, सब घर में ये लक्ष्मी चली जाती है। और जगन्नाथ को बोले ये लक्ष्मी को क्यों तुम ये कर रहे हो, निकाल दो लक्ष्मी को। ऐसे बोल दिया ना, लक्ष्मी तो चली गई अपना ससुर घर, अपना बिहार चली गई। इतने में कहते जगन्नाथ बलदेव को इतने भूखे मारी, ऐसे भूखे में खाना कहीं, इनको कहीं खाना नहीं मिला, कहीं खाना नहीं मिला। दोनों भैया तो अवस्था खराब, दोनों भैया की है, दोनों भैया की अवस्था खराब हो गई लक्ष्मी के बगैर। इसलिए लक्ष्मी की कृपा, सारा दुनिया लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। इसलिए यहाँ कह रही हैं कितने बड़े महाप्रभु यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमारी नित्यानंद प्रभु का प्रति हमारी अगर निष्ठा हो, है अगर नित्यानंद प्रभु का अगर निष्ठा हो तो उनको महाप्रभु कितने विश्वास करते हैं। मेरे नित्यानंद प्रभु में इतने विश्वास है, जो नित्यानंद के प्रति इनका विश्वास हो महाप्रभु क्या भर देते हैं। अगर लक्ष्मी, अगर भिक्षा नगर नगर में कभी लक्ष्मी भिक्षा कर सकती हैं, तथापि दारिद्रता नहीं हुए तो घरे, तभी तुम्हारी घर में कभी दारिद्रता कभी नहीं होगा। बोले बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारा बाड़ी सबार अमात भक्ति है वे कस्ती। कितने बड़ी बात महाप्रभु कहते हैं, कहते नित्यानंद का प्रति जितना, अगर किसी व्यक्ति को इतना विश्वास हो नित्यानंद प्रभु का प्रति, कहते बिड़ाल कुकुर, तुम्हारे घर में जो कुकुर और जो बिड़ाल है ना, है जितने तुम्हारी घर में है सबार अमात्य भक्ति है विकसित, हमारी प्रति उनका जो भक्ति स्थिर भक्ति, मेरे मेरे प्रति उसका भक्ति स्थिर रूप में प्राप्त होगा, अचला भक्ति उनकी होगी। इतनी बड़ी बात कहते हैं। कहते आलबंदारो एक ऋषि हुए हैं, वो कहते हैं यद्यपि भगवान का इच्छा में ही जगत में जीव का जन्म होता है, ठाकुर को इच्छा से ही कहते ना क्या तुम अपना इच्छा है जीव कोटि इच्छा करे कृष्ण इच्छा बिना जीव फल नहीं धरे, जो कुछ होता है कृष्ण की इच्छा से, कहते उसको इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। वो कह रहे हैं हाँ, कहते भगवत इच्छा से ही जीव का इसी जगत में जन्म होता है, लेकिन हे प्रभु ठाकुर से प्रार्थना करते हे प्रभु तुम्हारी इच्छा से तो जन्म होता है, लेकिन आप मेरे ऊपर में इतना ही कृपा करो जैसे भक्तर बाड़ी में भक्तों के घर में जैसे जन्म हो जाए। कहते अगर भक्तों घर में अगर मैं बिल्ली अगर कुत्ता होकर भी अगर किसी भक्तों घर में जन्म हो जाए, हैं अगर कीड़े मकड़े होकर भी अगर मेरे जन्म हो जाए ना, कहते प्रभु तुम्हारी भक्तों के घर में ही मेरे को जन्म दो, जैसे भक्तों का संग हमें मिले। कहते कुलशेखर है, एक कुलशेखर एक भक्त हुए, वो क्या कहते हैं, कहते हे प्रभु अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिले ना, इसलिए हम ये संसार से मुक्ति भी हम पाना नहीं चाहते हैं,
अगर तुम्हारी भक्तों का अगर संग हम संग अगर हमें नहीं मिलता तो है हमें नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कहते हे प्रभु, अगर हमारी अबर जाति में, अबर मतलब निकृष्ट जाति में, अगर हमें तुम निकृष्ट जाति में जन्म अगर देना चाहते हो प्रभु दो, लेकिन जैसे भक्त घर में ही हमें जन्म दो। बोले क्यों? तो चैतन्य भागवत से कहते हैं भाई, वैष्णव गृह जदि हईताम कुकुर एंठो दिया ताराई, तो वैष्णव ठाकुर, इसको याद है, इसको याद कर लेना। इसलिए वैष्णव गृह यदि हईताम कुकुर एंठो दिया ताराई ते ने वैष्णव ठाकुर, यहाँ पर कह रहे हैं बोले हे प्रभु, अगर वैष्णव घर में अगर कुत्ते हो करके अगर भक्तों घर में जन्म हो फिर क्या होगा? भक्त घर में क्या होता है? सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, है? पर ठाकुर जी को भोग के बाद में फिर प्रसाद किसको मिलता है? किसको? राधा रानी को। राधा रानी के बाद में किसको मिलता है? ललिता सखी विशाखा को मिलता है, रूप मंजरी को मिलता है, फिर प्रसाद फिर किसको? श्री भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी इनको मिलता है। गुरुवर कहते थे ना इदम महाप्रसाद श्री है, कहते वृंदा देव नम पूर्णवासी नम सर्व वैष्णव नम है, पर सबको प्रसाद, उसको बाद में प्रसाद फिर श्री गुरु जी को मिलता है, फिर वो प्रसाद फिर हमको मिलता है घर में जो रहते, फिर वो प्रसाद को खाने के बाद जब वो प्रसाद को फेंक देंगे फिर किसका आधरा मिलता हुआ? सभी का आधरा मिलता है, यहाँ सभी का आधरा मिलता घर में जो कुत्ते हैं, इसलिए घर में जो कुत्ते हैं कुत्ते होने पर प्रसाद सभी का प्रसाद इनको मिलता है। इसलिए कहते अगर वैष्णव घर में कुत्ते रूप में जन्म होता है ना, कहते एंठो दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर अपना झूठन को देख करके हमको तार देते। इसलिए प्रभु अगर कुत्ता जन्म हो ना तो घर में ही हमारी कुत्ता जन्म उनके घर में हो। इसलिए महाप्रभु प्रसन्न होकर के बोले श्रीवास, आज मैंने ये नित्यानंद को मैंने तुम्हारी चरण में समर्पण कर, तुम्हारे पास में समर्पण कर दिया, इनकी ही तुम सेवा करो, उनकी ही तुम सेवा करो। यहाँ पर और एक अद्भुत घटना आती है, बोले एक दिन आई कि छो देखिला सपने, निवृते कहिला पुत्र विश्वंभर स्थाने। कहते एक दिन आई मतलब कौन है? श्री कौन है? सची माँ, इसलिए सची माँ को आई कहते हैं। हम उड़िया में आई शब्द है, आई किसको कहते हैं? माँ को आई कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सची मैया को आई कहते हैं। कहते ये आई शब्द का इतना महत्व कह रहे हैं, कहते हैं क्या ताहर प्रभाव कौन दुख नाई, आई शब्द जे सुने वे आई ताहर प्रभाव कौन जीवन कौन दुख नाई, ये कर सची माँ के लिए कहते हैं। कहते सची मैया की है जो एक बार उनके नाम सुन ले उनके प्रभाव से जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। क्यों? जो सची माँ महाप्रभु का ये माता जी है, चैतन्य महाप्रभु का ये माता जी है। इसलिए कहते एक दिन कहते सची मैया ने एक दिन स्वप्न देखा, ये स्वप्न देख करके निवृत्त हमें श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले क्या स्वप्न देखा? स्वप्न ये था, कहते मैंने देखा तुम जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तुम लोग 5 साल के दो बच्चे हैं, 5 साल के दो बच्चे हैं, और इतने में तुम दोनों ठाकुर घर में प्रवेश कर गए। ठाकुर घर में जो प्रवेश किए कहते वहां पर बलराम और कृष्ण वो भी 5 साल के बच्चे हैं, और उनको साथ में तुम दोनों नित्यानंद महाप्रभु और कृष्ण बलराम आपस में तुम लोग लड़ झगड़ा कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, हैं? इसलिए कृष्ण बलराम गए, कृष्ण बलराम कह रहे हैं किसको? नित्यानंद महाप्रभु को, बोले तुम लोग कौन हो, हैं? इसलिए ये जो घर है ना ये हमारी घर है, इसलिए जितने जो दूध कला संदेश जितने मिठाई में हमारी अधिकार है, निकलो घर से, घर से निकलो। किसको कौन कह रहे हैं? कृष्ण बलराम कह रहे हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, और ये चारों का जो उम्र है 5 साल, केवल इनकी उम्र 5 साल उम्र है। नित्यानंद प्रभु कहते वो समय चला गया, कौन सा समय? जो द्वापर युग में तुम दोनों आए थे, कृष्ण बलराम जो द्वापर युग में आए थे ना
वो समय बीत चुका है, हैं? इसलिए उसी समय में खूब लूटपाट करके ब्रज गोपियों घर में खूब मक्खन खाए, हैं? खूब मिश्री खाए, मिठाई दूध दही खूब लूटे हो। अभी कलयुग है, अभी कलयुग में तुम्हारी अधिकार ने विप्र का अधिकार, उस समय में ग्वाला घर में जन्म हुए थे कृष्ण बलराम, अभी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण घर में जन्म हुए, कहते इसी समय में किसका अधिकार, कहते विप्र अधिकार है, हैं? इसलिए इसलिए चले जाओ यहाँ से नित्यानंद महाप्रभु कृष्ण बल घर से निकले जाओ, नहीं तो मार पड़ेगा तुम्हारे दोनों के ऊपर मार पड़ेगा, इसलिए तुमको बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। इतने में कृष्ण बलराम कहते हैं, हैं? कहते भैया तुम दोनों को नहीं तो बांध कर पिटाई करेंगे। कृष्ण महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं हम पिटाई करेंगे, हैं? नित्यानंद प्रभु कहते देखो अभी हमारे कोई डर नहीं। बोले क्यों? बोले अमार प्रभु रो प्रभु श्री गौर सुंदर। कहते मेरे जो प्रभु का जो प्रभु है ना नित्यानंद प्रभु करके। बोले कौन है? बोले श्री गौर सुंदर हमारे प्रभु का प्रभु, इसलिए श्री महाप्रभु की है इनके बल से अभी हम उनकी, वो मेरे प्रभु है इसलिए कोई हमारी डर भय नहीं। इतने में मुंह लगा करके खा रहे हैं, और उसका मुंह से निकाल करके उसका मुंह से निकाल करके ये चारों खा रहे हैं। तब सची मैया कहते हैं, कहते मैंने स्वप्न देखा लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया ये क्या है। इतने में चैतन्य महाप्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले देखो श्री विष्णु, इसलिए सवाई इसलिए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते बोले तुम जैसे ना दुनिया को भी ऐसे देखते हो, खुद तो पागल हो, हैं? महाप्रभु बोले खुद तो पागल हो और तुम पागल होकर सारा दुनिया को तुम पागल समझते हो। इसलिए जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रसाद सची मैया ने दोनों को प्रसाद खिलाया, हठात मैया देख रही है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम 5 साल का बच्चे होकर सबके सब भोजन कर रहे हैं, हैं? 5 साल के बच्चे होकर सबके सब भोजन कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा शंख चक्र गदा पद्म महाप्रभु मैया को उनने दर्शन कराया, दर्शन कराते ही सची मैया तो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी, हैं? बेहोश हो गई सची मैया ने। इसलिए उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने देखा महाप्रभु का हृदय में कद लक्ष्मी के निवास है, हैं? कद लक्ष्मी के निवास कैसे महाप्रभु का हृदय में, पर जिस समय लक्ष्मी बेलवन में तपस्या कर रही है, कहां पर, कहां पर, वृंदावन गए हो, गए नहीं, इसलिए बेलवन में वहां पर लक्ष्मी तपस्या की। जब लक्ष्मी कठोर तपस्या की तब कृष्ण की उन्होंने आराधना की, कृष्ण जब वहां प्रकट हुए बोले लक्ष्मी तुम क्यों इतना कष्ट की है, इतने कठोर आराधना क्यों की, बोले प्रभु आपको रास में प्रवेश करना चाहती हैं, बोले देखो और आपको मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा देखो लक्ष्मी अगर तुम मेरे को पति रूप में और रास में प्रवेश करना चाहते हो 2-3 काम करना पड़ेगा। बोले बताओ, बोले तुमको ये गोप गृह में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, ये लक्ष्मी अभिमान तुम्हें त्याग देने पड़ेगी, हैं? गोप घर में जन्म लेना पड़ेगा। बोले मैं ले सकती हूँ पर इतना में नहीं, जैसे गोपियां कंडा बिनती है ना, कंडा हाँ घुट घसी, जैसे कंडा बिनती है कंडा बिनना पड़ेगा। बोले हाँ करूंगी। बोले उनको घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा। बोले कर लूंगी। बोले जैसे गोपियां दधि मंथन करती है ना, दधि मंथन करना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं पर कर लूंगी। बोले देखो तुम्हारी जो शादी है ना मेरे साथ में नहीं, किसी गोप के साथ में शादी होगी। बोले आपसे से शादी कर सकती हूँ, किसी गोप से शादी करके जैसे गोपियां जैसे पर क्या रूप में, पर क्या मतलब होता है दूसरे के पति रूप में, पर पुरुष रूप में जैसे मेरे को आराधना करती है पर क्या रस में कर सकती हो। बोले आपसे से शादी कर सकती हूँ लेकिन किसी दूसरे गोप से ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये काम मेरे से नहीं होगा। इसलिए बोले फिर तो मेरे को तुम प्राप्त नहीं कर सकते, रास में प्रवेश नहीं हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी अभी भी बेलवन में बैठ करके तपस्या कर रही है लेकिन भगवान ने उनको अपना वक्ष स्थल में, हैं? वक्ष स्थल में उन्होंने स्थान दिया है, हैं? इसलिए वक्ष स्थल में उन्होंने दक्षिण रमावर्त बलि रूप में उन्होंने हृदय में एक स्वर्ण रेखा रूप में लक्ष्मी को भगवान ने हृदय में स्थान दिया है। तो वही चीज मैया ने महाप्रभु के हृदय में लक्ष्मी को उन्होंने दर्शन किया है। भक्त
अभी महाप्रभु जब नवद्वीप में प्रकट हुई है, बोले प्रभु सवारे देखे प्राणी ने सबान सबई प्रभु र परी सदरे प्रभा। देखो यहाँ पर महाप्रभु के अंदर में एक विशेष गुण बताया, क्या क्या गुण देखा? प्रभु सवार देखे प्राणी ने समान सबई प्रभु र परी सदरे प्रधान। कहते महाप्रभु में एक विशेष गुण है, क्या है? कहते जितने भक्त लोग थे महाप्रभु को सबके सब जिसके अंदर में जो रस है, जैसे कृष्ण के अंदर में बाहर रस है, जैसे कृष्ण जब रंगशाला में प्रवेश किया जिसको अंदर में जैसे रस था वो उसी के अनुरूप दर्शन कर रहे थे। जितने माताएं थी वो तो देख रहे थे, अभी इतने छोटे नन्हे बच्चे हैं इनका दूध दांत भी नहीं टूटा। जो स्त्रियां थी क्या देख रही थी? ये साक्षात कामदेव। जितने बड़े बड़े योगी लोग थे देख रहे थे यही परतत्व है। कंस क्या देख रहा था? ये काल है। चारण मुष्टि को क्या देख रहे थे? ये वज्र है, ये वज्र है। इसलिए जिसकी भावना रही जैसी हरि मूरत दिखित नहीं तैसी, जिसके अंदर में जैसे भावना जैसे कृष्ण को उसी अनुरूप दर्शन करते थे। कहते यहाँ पर जितने भक्त लोग थे ना महाप्रभु को जिसकी अंदर में जो रस है उसी रस के अनुरूप महाप्रभु को ऐसे ही दर्शन कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे। इसलिए और यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु के अंदर विशेष गुण क्या था? कहते जो भक्त महाप्रभु को दर्शन करते थे ना जिस भाव से महाप्रभु भी वैसे प्रेम करते थे, इसलिए सब भक्तों को ऐसे लगता था महाप्रभु सबसे ज्यादा प्रेम मेरे को प्रेम करते, सबसे ज्यादा प्रेम मेरे को जितने महाप्रभु प्रेम करते हैं और किसी को इतना प्रेम महाप्रभु नहीं करते। इसी वजह से किसी भक्तों को किसके ऊपर ईर्ष्या द्वेष नहीं होता था, क्यों? उनको लगता था महाप्रभु तो सबसे ज्यादा मेरे को प्रेम करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे जो भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज थे मथुरा में, हम लोगों ने भी ये चीज को देखा, गुरु जी के अंदर में देखा। क्या देखा है? जितने महागुरु जी के जितने भक्त लोग मथुरा में थे ना, गुरुदेव सबको साथ में ऐसे बात करते थे। गुरुदेव लगता था गुरुदेव मेरे को जितने प्रेम करते हैं ना उतना प्रेम और किसी को नहीं करते, इतना प्रेम और किसी को नहीं करते हैं, मेरे को गुरुदेव जितना प्रेम करते हैं। इसलिए कहते ये चीज है ना, कहते उन्नत जो वैष्णव है उनके अंदर में ये गुण है, उनको लगता है गुरुदेव सबसे ज्यादा मेरे को प्रेम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु हैं, इसलिए महाप्रभु को सबके सब प्रेम करते हैं। महाप्रभु भी सबको भक्त के अनुरूप उन्होंने सबको प्रेम करते हैं, सब लोग को लगता है महाप्रभु सबसे ज्यादा मेरे को प्रेम करते हैं। प्रभु बोले भाई सब सुना मंत्र सार, रात्रि के न मिथ्या जाए आमा सब आकार। एक दिन महाप्रभु ने भक्तों को बोले देखो भैया एक बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले भैया दिन में तो कीर्तन करते हैं भजन करते हैं, लेकिन ये रात्रि हमारे बेकार क्यों जाते हैं? रात में निशा निद्रा बसे गल रे राति दिवस शरीर साजे, कहते हैं ना उदिल अरुण पूर्व भागे तीज मनि गोरा अमन जागे। कहते भैया दिन में तो भजन करते हैं लेकिन रात्रि में भैया हम सो करके हम रात्रि बर्बाद क्यों जाते हैं? इसलिए चलो हम रात्रि में भी हरि कीर्तन करेंगे। बोले किसको घर में? बोले श्रीवास पंडित को घर में है हरि कीर्तन। आज से सबके सब भक्तों को बुलाओ, बुला करके रात भर हम क्या करेंगे? रात भर सोएंगे नहीं, रात भर भी हरि कीर्तन करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने श्रीवास घर में महाप्रभु सारे भक्तों को इसलिए कहते ना श्री हरि वा सारे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरभिला प्रभु जग तेरा प्राण। उसके बाद में नबंत श्रीवास धन सुमर उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। इसलिए महापुरुष शिवास घर में संकीर्तन रास को उन्होंने प्रारंभ किया है। रात भर महाप्रभु कीर्तन करते थे, मतलब ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि पुरिला का। जब कीर्तन करते थे जैसे ध्वनि ब्रह्मांड को भेद करके कहां तक गोलोक वृंदावन में पहुंच जाता था। इसलिए महाप्रभु अपना परिकरों को भक्तों को लेकर उन्होंने रात भर भी कीर्तन करते थे। इसलिए कोई एक भक्त कहते थे जब रात में सोना मच्छर कभी को काटते है ना, मच्छर काटते हैं। बोले मच्छर क्यों काटते हैं? किस लिए? बोले जगो, रात में क्यों सो रहे हो?
भगवान ये दुर्लभ जीवन दिया भजन करने के लिए, सोने के लिए क्यों थोड़ी दिया है, इसलिए मच्छर काटते, उठो उठो हरि नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए ये मच्छर काटते, उठो करके आओ हरि नाम करो, सोना नहीं रात को, ठीक है, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare गौर ब्रह्मानंद जय श्री गुरु गंधर्वदागिरधारी राधा गोविंद गोपनाथ मदन मोहन जी जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। हाँ जो कथा है हम लोग 8 बजे से पहले बैठते हैं 10 मिनट पहले और 8 बजे एकदम कथा शुरू हो जाएगी। अब कोशिश करेंगे आधा घंटा में 8:30 के अंदर में कथा विश्राम हो जाए, इसलिए टाइम से सबके सब दर्शन करना।